वेलकम दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम विकी और आप देख रहे हैं इंडियन बॉय विकी यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज बेसिकली हम लोग बात करेंगे यहाँ पे 2018 वाले जो ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट की जो बातें चल रही हैं, और बहुत सारे ऐसे कल वीडियोस भी देखने को मिले यूट्यूब पे। तो गाइज, उसी पे मैं आप लोगों को कुछ ऐसे बातें बताऊंगा जो कि आप लोगों के हित के लिए ही होगा, और अगर आप समझदार होगे तो गाइज आप लोग इन सब चीजों से दूर हटके जो नेक्स्ट है उस पे जाओगे, ठीक है। तो क्योंकि वैसे देखो, मैं भी 2018 वाला ही कैंडिडेट हूँ। अगर मैं भी इस तरह से मेडिकल मतलब कि मेडिकल पास होके मेरिट में अगर छटता तो गाइज मैं ये इन सब चीजों में जाके हिस्सा नहीं लेता। वो क्यों नहीं लेता वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। और ये बेकार की जो आप लोग कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो सीधे पॉइंट पे आते, कुछ ऐसे बात होंगे मेरे जो कि बहुत लोगों को बुरा भी लग सकता है, तो गाइज उसके लिए पहले से सॉरी यार। बट जो रियल फैक्ट है, जो आज तक मैं अपने चैनल पे बताता आया हूँ, वही मैं आगे भी बताता रहूंगा। अगर जिनको पसंद आती है तो ठीक है, नहीं पसंद आती है तो भाई दुनिया यहाँ यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे हैं चीजें जहाँ पे आप लोग बिलीव करते हो, तो करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलो अब हम यहाँ पे मेन मुद्दे जो है ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट को ज्वाइनिंग वाली बात जो है उस पर हम लोग आते हैं। तो सबसे पहली बात गाइस कि ये जो आप लोग ऑल मेडिकल फिट की जो मुद्दे उठा रहे हो कि सभी को ज्वाइनिंग मिलना चाहिए, तो ऐसा इम्पॉसिबल है और ये कभी नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो गाइज बहुत सारे ऐसे वैकेंसी थे पिछले कई सालों में, बहुत सारे ऐसे वैकेंसीज थे जो कि मेरिट में छट गए। तो क्या वो लोग जाके प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हाँ हमको ऑल मेडिकल फिट है तो भाई ज्वाइनिंग दो? ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये ऑल मेडिकल फिट का जो अफवाह उड़ा था ना, वो यूट्यूब से ही उड़ा था, ठीक है। यहीं से ये मुद्दा आगे पकड़ लिया कि ऑल मेडिकल फिट ज्वाइनिंग, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है और ना ही आगे आने वाले समय में होगा, ठीक है। जितना वैकेंसी निकलती है उतना ही वैकेंसी जो है फील होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। अगर ऐसा होता तो बहुत ऐसे आंदोलन होते रहते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये जो आप लोग कर रहे हो ये बेफिजूल की बातें, मैं क्लियर कह दे रहा हूँ, ये बेफिजूल की बातें हैं। और ऊपर से बहुत सारे वो सब वीडियोज में आपको पुलिस प्रशासन भी हिदायत दे रहे हैं कि बिना परमिशन के ये सब चीज मत करो, अगर केस वगैरह हो जाएगा तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, ठीक है। तो ये सब चीजें मत करो यार, करो जो करना है करो, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये गलत है भाई। आप लोग भी समझदार हो कि ऑल मेडिकल फिट को ज्वाइनिंग नहीं मिल सकता। अब ये मुद्दा है कि ऑल मेडिकल फिट ज्वाइनिंग आप लोग इसलिए मांग रहे हो क्योंकि नेक्स्ट वैकेंसी में आपका एज नहीं बचने वाला, ठीक है। तो मुद्दा यहाँ पे ये करो ना कि एज वैकेंसी एज को जो है लिमिट को वो बढ़ाया जाए। अगर आप ये सब प्रोटेस्ट कर रहे हो, पुलिस प्रशासन की बातें अगर होंगी, अगर आप लोग कोर्ट केस करोगे, सुप्रीम कोर्ट केस करोगे, ठीक है, तो ये कोर्ट अगर सुप्रीम कोर्ट केस करोगे अगर, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगी भाई? एसएससी से जवाब मांगेगी कि भाई ये सब क्या चल रहा है। एसएससी सीधा बोलेगा भाई कि मेरे पास 60,000 की वैकेंसी थी, मैंने निकाल दी और 60,000 को फिल कर लिया मैंने, बाकी मुझे किसी से मतलब नहीं है कि कौन मेडिकल फिट हुआ कौन अनमेरिट, मतलब कि मेरिट में नाम नहीं है, क्योंकि वो सीधा बोल देगा सुप्रीम कोर्ट को कि 60,000 वैकेंसी थी, उतने में मैंने वैकेंसी को फुलफिल कर ली, बाकी ये सब जो माजरा चल रहा है मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। तो वहां सुप्रीम कोर्ट साफ साफ बोल देगा वैकेंसी इतनी ही थी, इतना ही बच्चे को लेना था, बाकी बच्चे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे आप लोग समझो, ठीक है। बात जब तक समझोगे नहीं तब तक इसी तरह से करते रहोगे। जिनको अगर समझ में आ रही है मेरी बात भाई, तो अभी से वो नेक्स्ट वाली की तैयारी करो। अगर प्रोटेस्ट करना भी है ना, तो नेक्स्ट वैकेंसी जो एसएससी जीडी की वो नेक्स्ट मंथ जो आने वाली है, उसमें एज लिमिट को बढ़ाने के लिए ये प्रोटेस्ट करो। तो ये एक रियल मुद्दा है कि हाँ कि 2020 में बहुत सारे बच्चों का एज लिमिट खत्म हो गया, तो गाइस 2021 के लिए जो है उनका एज को एक साल बढ़ा दिया जाए। तो ये एक मतलब कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुद्दा है जिसमें कि आपका जो बात को सुना भी जाएगा और समझा भी जाएगा, और इसमें एज को बढ़ाया भी जा सकता है, क्योंकि एसएससी सॉरी आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो वैकेंसी था उसमें भी आपका एज को बढ़ाया गया था। आपका रेलवे का जो 2018 में आया हुआ था जिसमें ग्रुप डी में कि जनरल वाले लोगों का एज नहीं हो रहा था, तो उसमें भी एज लिमिट को बढ़ाया गया था। तो ये एक रियल मुद्दा है ना, ये इस मुद्दे पे अगर बात काम करोगे तो गाइस आपका एज लिमिट को बढ़ा देगा। और ये आप बोलोगे कि ऑल मेडिकल फिट ज्वाइनिंग मिल जाएगी, तो ये इम्पॉसिबल है। नाक रगड़ते रह जाओगे, कुछ नहीं होने वाला, और ये सरकार में तो कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, अगर आपको समझ में आ रही है भाई तो अभी से समझ जाओ और नेक्स्ट की तैयारी करो, ठीक है। वरना भाई आपकी मर्जी है, आपकी लाइफ है, आपको जो करना है करो, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या जो सही लग रहा था वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस किया, जो भी रियल फैक्ट थे, केस मुकदमा भी लेकर मैंने समझाया कि अगर सुप्रीम कोर्ट में भी चला जाएगा तो एसएससी से जवाब पूछेगा, एसएससी सीधा सीधी बात बोल देगी मेरे पास इतने वैकेंसी थी इतना हो गया। अब आप लोग बोलोगे कि इतना जो न्यूज में आया हुआ था कि 1,00,000 वैकेंसी, तो गाइस वो 1,00,000 नेक्स्ट करके जो वैकेंसी उन कैंडिडेट लोगों के लिए भी तो रहेगा ना, वो उनके लिए रहेगा, आप लोगों के लिए नहीं रहेगा, ठीक है।
तो ये सारी बातें हैं, अगर जिनको बुरा लगा हो तो भाई क्या ही कर सकते हैं, अच्छी बातें सबको कड़वा लगती है। तो और कोई नहीं बातें, बस यही सब सारी बातें थी जो कि मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। आई होप कि आपको अगर वीडियो पसंद आया तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना। वैसे तो बहुत लोगों को वीडियो पसंद भी नहीं आएगा क्योंकि ये प्रोटेस्ट में पूरा विलीन हो चुके हैं, जिसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। अगर प्रोटेस्ट करना है तो भाई एज लिमिट को बढ़ाने के लिए करो, वो सबसे बेस्ट रहेगा। ये ऑल मेडिकल फिट कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो गाइज चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। और हाँ गाइज, SSC GD 2021 वाले जो प्रिपेयर कर रहे हैं, जो नए कैंडिडेट अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं गाइज, तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारे चैनल से जुड़े रहना, ठीक है। आने वाले कुछ दिनों में जब वैकेंसी रिलीज हो जाएगी तो गाइज उसके बाद से हम लोग कुछ और अपने चैनल के माध्यम से जो है करेंगे, तो आप लोग जुड़े रहना। और जो लोग ग्रुप में ज्वाइन नहीं किए हो टेलीग्राम ग्रुप का, तो नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां पे जाके ऐड हो सकते हो, ठीक है गाइज। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।